हेलो जी, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू गुरु एडिटर चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे NSB पिक्चर की तरह अपने फोटो में भाई कलर टोन डालना। हाँ गाइस, ये वाला कलर टोन बहुत ज़्यादा NSB पिक्चर भाई जो है यूज़ करते हैं। एंड गाइस, बहुत ही कमाल का फोटो बन जाता है ये कलर टोन डालने के बाद। एंड गाइस, ये कलर टोन यार बहुत ही आसानी से डाला भी जा सकता है अपने फोटो में। और टू स्टेप लाइट रूम में आप लोगों को ऐसे बताऊंगा जो कि गाइस आप लोगों को एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइस, वीडियो बस आप लोगों के लिए कंप्लीट वॉच करना। अभी तक मुझे आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर यूजर नेम आप लोग सर्च करके ये फॉलो कर लेना मुझे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। हाँ तो भाई, सबसे पहले आप लोगों को लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना है। लाइटरूम एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइस, इसके अंदर आप लोगों को जो है अपना नॉर्मल फोटो इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर गाइस, नॉर्मल फोटो जब आप इंपोर्ट कर लोगे तो इसके अंदर गाइस सबसे पहले जो हमें एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट से पहले हमें करना है क्रॉप अपने फोटो को इंस्टाग्राम के फ्रेम में। तो आना है क्रॉप वाले ऑप्शन में। एंड गाइस, यहाँ पे रेशियो के अंदर आना है एंड यहाँ से 4:5 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको। ओके, अब यहाँ से गाइस हम प्रॉपर जितना हमें फ्रेम बनाना है यहाँ से हम फ्रेम बना सकते हैं। एंड अगर गाइस आपका फोटो जो है स्ट्रेट नहीं है तो यहाँ से आप लोग स्ट्रेट भी कर सकते हैं। अब सिंपल गाइज, यहाँ से मैं स्ट्रेट हल्का सा करूँगा और सिंपल यहाँ से डन कर दूंगा। डन करने के बाद गाइज, अब करेंगे हम अपने फोटो में थोड़ा बहुत बेसिक लाइटिंग का एडजस्टमेंट। तो लाइटिंग वाले ऑप्शन में हमें चलना है। एंड यहाँ पर आने के बाद गाइज, सबसे पहला नंबर आप लोगों को मिलेगा एक्सपोजर का। तो एक्सपोजर को हमें 10% प्लस में रखना है एंड कंट्रास्ट को हमें इसी तरीके से 20% माइनस करना है। हाईलाइट को हम 35% माइनस करेंगे एंड शैडो को हम देखते हैं अपने फोटो में कहां पर अच्छा लग रहा है। ये परफेक्ट है ना गाइस। अब 40 पे हमारा शैडो बहुत अच्छा लग रहा है एंड ब्लैक को मैं यहां पे माइनस करूंगा एंड वाइट को भी माइनस करूंगा। ओके, ये हमारा गाइस ओवरऑल हमारा जो है लाइटिंग का एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छा हो चुका है। ये देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर है ना। तो गाइस, आप चलेंगे हम कलर वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पर गाइस हमें सबसे पहले सेट करना है वाइट बैलेंस। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर को थोड़ा सा माइनस करेंगे क्योंकि हमारे फोटो में भाई स्काई के अंदर ब्लू टोन चाहिए, ठीक है। माइनस हमने 7 रखा इसे एंड वाइब्रेंस को हम बढ़ा देंगे यहाँ पर इतना एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे। ओके, आप सिंपल गाइस मिक्स कलर में चलेंगे हम। मिक्स में गाइस जो हमारा सबसे पहले फेस का कलर होता है वो हम ब्राइट करेंगे। तो गाइस ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे एंड इसका ल्यूमिनेंस हम बढ़ा देंगे एंड येलो कलर पे आएंगे। सिंपल येलो कलर का हम ह्यू 100% माइनस करेंगे, सैचुरेशन को 100% प्लस कर देंगे। हमारे फोटो में भाई ये टिल टोन आ गया इसकी वजह से। अब ग्रीन कलर का हम सैचुरेशन पूरा माइनस कर देंगे एंड गाइस हमारा जो एक्वा कलर है आसमान का वो गाइस हम सैचुरेशन उसका बढ़ा देंगे एंड ब्लू कलर पे चलेंगे। ब्लू कलर का ह्यू हल्का सा माइनस करेंगे, हमारे स्काई में थोड़ा सा ये वाला कलर काफ़ी अच्छा लगेगा एंड इसका भी हम सैचुरेशन बढ़ाएंगे। जितना आपको कलर चाहिए स्काई में उतना आपको सैचुरेशन बढ़ा लेना है एंड आपके में ये टोन आ गया। अब गाइस पर्पल कलर का जो है आप लोगों को यहाँ पर मैजेंटा कलर, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है 100% क्योंकि हमारे फोटो में भाई कोई कलर ही नहीं है वो मैजेंटा का। तो यहाँ पर हम सिंपल अब डन करेंगे एंड डन करने के बाद गाइस इफेक्ट्स में चलेंगे। इफेक्ट्स में गाइस आप लोगों को क्लियरिटी को बढ़ाना है यहाँ पे 10%, वीकनेट को थोड़ा सा माइनस करना है, आपके एजेस में यहाँ पर शैडो टाइप में आ जाएंगे तो काफ़ी अच्छे लगेंगे फिर। एंड हमारा फाइनल यहाँ पे ओवरऑल एडिट हो चुका है। बहुत ही गाइस हमने ईजिली स्टेप्स में यहाँ पर एडिटिंग करा है, देख सकते हो कितना आसानी से हमने एडिटिंग कर लिया। सिंपल गाइस यहाँ पर अपने फ़ोटो में शार्पनेस बढ़ा लेना है, जिससे आप अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे अपने फ़ोटो को तो भाई आपका फ़ोटो फुल शार्प लगेगा एकदम। एंड यहाँ से मास्किंग को भी आपको बढ़ाना है। ओके, आप सिंपल डन। अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को गाइस बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट हमारा। एंड ये देखो बिफोर का हमारा फ़ोटो एंड आफ्टर का कुछ ही गाइस हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट करा है एंड कलर टोन का एडजस्टमेंट करा है तो हमारा फ़ोटो में भाई ये टोन आ चुका है। ये टोन गाइस लाना बहुत ही आसान होता है अपने फ़ोटो के अंदर। तो गाइस आप लोग भी इसी तरीके से अपने फ़ोटो में ये टोन ला के आ सकते हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और गाइस आप लोगों को फेस स्मूथ करना सीखना है तो इस वीडियो को वॉच कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।